दुनिया में हर दिन लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर घर बैठे ही अपनी जरूरत में आने वाले सामान खरीद लेते हैं। फिर चाहे खरीदारी त्योहारों के लिए हो, शादी के लिए हो या फिर निजी इच्छा के लिए हो, पिछले कुछ सालों में लोगों के शॉपिंग करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। अब पहले की तरह लोग मार्केट में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से सामान देखते हैं और पसंद आने पर ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़ों की दुकान, किराने की दुकान या खिलौने की दुकान चलाते हैं, उनका कारोबार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की वजह से बंद सा हो गया है। उन लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा रामबाण तरकीब लेकर आए हैं जो आपकी इस समस्या को पूरी तरह दूर कर देगी। उस तरकीब का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग है, जिसके जरिए कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके बहुत कम समय में अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसे ढेर सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग का मतलब है सही जगह और सही समय पर अपने कस्टमर से कनेक्ट होना, और आज के दौर में आपको अपने कस्टमर से उस जगह पर कनेक्ट होना होगा जहां वो अपना पूरा समय गुजारते हैं, और वो जगह है इंटरनेट। भारत में लगभग सभी वर्ग के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, अब हर कोई मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। जिस तरह से कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर और पंफलेट के द्वारा प्रमोट करते हैं, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से भी किया जा सकता है। ऑफलाइन मार्केटिंग हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, दोनों का ही मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आप बहुत ही कम लागत में दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अब हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल तकनीकी द्वारा ग्राहकों तक पहुंचने का एक सरल माध्यम है। जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, तब लोग टीवी, अखबार, मैगजीन और रेडियो का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। तब इन सभी जगहों पर अनगिनत कंपनियां अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देकर प्रचार करते थे, और लोग उन्हीं विज्ञापनों को देखकर बाजार से प्रोडक्ट खरीद कर लाते थे। लेकिन इस स्मार्टफोन के दौर में अधिकतर लोग, खासकर की युवा वर्ग, अपना पूरा समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर बिताते हैं। टीवी की जगह यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, रेडियो की जगह अलग अलग प्रकार के एप्स पर गाने सुनते हैं, और अखबार की जगह ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ते हैं। यही कारण है कि अब कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन डिजिटल तरीकों से कर रही है और उन्हीं जगहों पर प्रचार करती है जहां ज्यादातर इंटरनेट यूजर पाए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कंपनी को अधिक ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में मदद मिलती है। पहले लोगों का बाजार जाकर सामान पसंद करने और खरीदने में जो समय लग जाता था, अब उससे भी कम समय में लोग घर बैठे ही इंटरनेट से अपने मन पसंद सामान की शॉपिंग कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से केवल ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों को भी व्यापार करने में बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि इससे ये बहुत ही कम समय में ज्यादा ग्राहकों तक जुड़ पा रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद की बिक्री में तेजी हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की मांग वर्तमान समय में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग कहां और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले है ब्लॉगिंग। ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। इसमें आपको अपने कंपनी के नाम से ब्लॉग बनाना होता है, जिसमें आप अपने कंपनी द्वारा दिए जा रहे सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, और जब भी आपके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसका डिटेल भी आप इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे, और आप इससे बहुत सारे ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप अपने कंपनी द्वारा बनाए गए सभी प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी एक कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए वाक्य भी सही और आकर्षक रूप से बनाना होगा, जिसमें प्रोडक्ट के डील्स और ऑफर्स भी बताने होंगे। इसमें पढ़ने वाले यूजर को आपकी बातें अच्छी लगेंगी और आपके व्यापार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, और इससे प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी ज्यादा होगी। तीसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
अगर आप सर्च इंजन के द्वारा अपने ब्लॉग पर बहुत सारा ट्रैफिक या कस्टमर पाना चाहते हैं, तो आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूजर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, और गूगल SEO का इस्तेमाल कर जानकारी को यूजर के सामने प्रस्तुत करता है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट से ऊपर आती है तो ज्यादा लोगों को आपके ब्लॉग और आपके व्यापार के बारे में पता चलेगा। इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट गूगल के दिए SEO की गाइडलाइन के मुताबिक बनानी पड़ेगी, ताकि अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर मिल सके। चौथा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया पर व्यापारी न सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, बल्कि वो ये भी जान सकता है कि यूजर उनके ब्रांड के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पिंटरेस्ट पर आप अपने बिजनेस का एड दे सकते हैं। पांचवा है गूगल एडवर्ड्स। आप जब भी कोई ब्लॉग या वेबसाइट पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। अधिकतर विज्ञापन गूगल द्वारा दिखाए जाते हैं। गूगल एडवर्ड्स की मदद से कोई भी व्यापारी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है जिसके लिए आपको गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। गूगल इन विज्ञापन को अच्छी तरह के वेबसाइट्स और ब्लॉग पर दिखाता है, जिससे कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने व्यापार और प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स के द्वारा आप कई तरह के विज्ञापन चला सकते हैं, जैसे टेक्स्ट एड्स, इमेज एड्स, जिफ एड्स, मैच कंटेंट एड्स, वीडियो एड्स, पॉपअप एड्स, स्पॉन्सर्ड सर्च, वेब बैनर एड्स आदि। छठा है एप्स मार्केटिंग। इंटरनेट पर बहुत सारी कंपनी एप्स बनाकर लोगों तक पहुंचने और उस पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने को एप्स मार्केटिंग कहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में लोग अपने स्मार्टफोन में एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के एप्स में अपना विज्ञापन दे सकते हैं, जिस पे यूजर द्वारा क्लिक करने पर आपके प्रोडक्ट की वेबसाइट पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सातवां है YouTube चैनल मार्केटिंग। YouTube आज के समय में दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिससे YouTube पर बहुत ट्रैफिक रहता है। ये एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को वीडियो द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में ही आपको विज्ञापन का वीडियो दिखता है। ये असल में किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग वीडियो होती है, जिसे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं। YouTube पर बड़ी संख्या में व्यूअर्स रहते हैं, जिससे कि कमाई करना आसान हो जाता है। आठवां है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से कंपनी ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से प्रोडक्ट की जानकारी भेजते हैं। इसके साथ साथ इसमें प्रोडक्ट की पूरी डील और ऑफर्स भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रोडक्ट की जानकारी के साथ उसका लिंक भी होता है, जो ग्राहकों को आसानी से खरीदने की जानकारी प्रदान करता है। ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप लाखों ग्राहकों तक केवल एक क्लिक में पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यापार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और इससे काफी लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके उपयोग से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए अभी दीजिए इजाजत, एक नए वीडियो के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।